तो बच्चे लोग हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सल्फर में क्या होता है, कैटेनेशन एबिलिटी काफी स्ट्रांग होता है। सल्फर में क्या है, SS सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, इसलिए क्या होता है सल्फर विल शो मैक्सिमम कैटेनेशन एबिलिटी इन द गिवन ग्रुप 16। तो होता क्या है कैटेनेशन एबिलिटी से, सल्फर कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ विच येलो रोम्बिक सल्फर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा सल्फर एंड मोनोक्लिनिक दैट इज बीटा सल्फर दे फॉर्म द मोस्ट दीज फॉर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर विच ट्रांसफॉर्म इन टू मोनोक्लिनिक सल्फर वेन हीटेड अबाउट 369 केल्विन टेम्परेचर। ये आपका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, दे कैन चेंज फ्रॉम वन टू सेकंड फॉर्म। ये आप आगे देखेंगे इसका पॉइंट का भी दिया है इन्फॉर्मेशन टेम्परेचर के बारे में। तो पहले देखते हैं अल्फा सल्फर क्या होता है और रोम्बिक सल्फर एक चीज का मीनिंग क्या होता है। अगर क्वेश्चन मिलता है आपको थर्मोकेमिस्ट्री में, वहां पे लिखते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शंस, अगर वहां पे सल्फर के लिए डिफरेंट एलोट्रॉप्स, तो फॉर सल्फर वी विल टेक रोम्बिक सल्फर एज द सल्फर स्टैंडर्ड स्टेट फॉर डूइंग क्वेश्चंस इन थर्मोकेमिस्ट्री फॉर राइटिंग द रिएक्शंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स। अगला है पहला इसमें रोम्बिक सल्फर, यहां पे इसको अल्फा सल्फर, दिस एलोट्रॉप इज येलो इन कलर, मेल्टिंग पॉइंट इज 385.8 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.06। रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन इवेपोरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ रोज सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व्स इन टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन एल्कोहल इन इथर बट रेडली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये प्रॉपर्टीज है कुछ आपका रोम्बिक सल्फर का। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी मोनोक्लिनिक सल्फर का और बीटा सल्फर का। इसका थोड़ा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है 393 मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली होता क्या है डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, दे दोनों में स्ट्रक्चर सेम होता है, दे विल हैव सेम एसिड मॉलिक्यूल्स एज द मोनोमर्स, उसी का एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, दे अरेंज डिफरेंट फॉर्म्स, तो वो बनता है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 393 मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन। इट हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.98। इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये बनता कैसे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन ए डिश एंड कूलिंग टिल द क्रिस्टल्स फॉर्मड एंड कूलिंग टिल द क्रस्ट इज फॉर्म। आपका एक हम सल्फर को मेल्ट करते हैं, बेसिकली रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करते हैं इन ए डिश और फिर इसको कूल करते हैं मेल्ट करने के बाद टिल द क्रस्ट, एक आपका लेयर बनेगा उसके ऊपर क्रस्ट बनता है। उसके बाद क्या होता है इसमें दो होल बनाते हैं, टू होल्स आर मेड इन द क्रस्ट एंड रिमेनिंग लिक्विड पार्ड आउट, रिमेनिंग लिक्विड इज पार्ड आउट ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, द कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर आर फॉर्म। ठीक है, और क्या होता है, इट इज स्टेबल अबाउट 369 केल्विन टेम्परेचर ट्रांसफॉर्म टू बीटा सल्फर बिलो दिस टेम्परेचर। सिंपल मीनिंग हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिवली अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म टू बीटा सल्फर अबव दिस टेम्परेचर। तो एट 369 केल्विन टेम्परेचर बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, मींस दे आर स्टेबल मींस दे विल बी इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और क्या है पॉइंट, देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैज एसिड मॉलिक्यूल्स, दीज एसिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, जो आपका बनेगा रोम्बिक सल्फर और दे फॉर्म मोनोक्लिनिक सल्फर और अदर फॉर्म्स। एस एट रिंग्स इन बोथ फॉर्म्स आर पकर्ड एंड हैज क्राउन शेप। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है एक बार देख लेते हैं, क्राउन शेप स्ट्रक्चर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स। देखो एसिड में क्या होता है, क्राउन शेप बोला हमने, स्ट्रक्चर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स पकड़ पकड़ के मीनिंग क्या होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर एस ऐसे। तो ये आपका क्या होता है, शेप रिजेंबल क्राउन, सो इट इज कॉल्ड क्राउन शेप, क्राउन शेप। इसमें आपके एंगल होता है 107 डिग्री, दिस एंगल टेकन इज 107 डिग्री एंड दे हैव बॉन्ड लेंथ वैल्यू 204 पिकोमीटर, 204 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ ऑफ एस एस बॉन्ड। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, ये तो हमारे कॉमन फॉर्म्स हो गए, इसमें कुछ और भी होते हैं मॉडिफिकेशंस, तो कौन से हैं, सेवरल अदर मॉडिफिकेशंस, सेवरल अदर मॉडिफिकेशंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग, इसको तो क्राउन शेप लिखा नहीं था, क्राउन शेप, आई होप इज क्लियर, क्राउन शेप, सेवरल अदर मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 atoms ऑफ सल्फर पर रिंग हैव बीन prepared recently, have been prepared recently, last 2-3 decades. तो यहां पर क्या होता है, इसमें अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, इनका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इन साइक्लो S6 रिंग अडॉप्ट्स स्टेबल चेयर अरेंजमेंट और फॉर्म. चेयर फॉर्म क्या होता है, थोड़ा आइडिया होगा इसमें. यहां पर आपका चेयर फॉर्म रास्ते हो सल्फर का, यह आपका बनेगा इसमें चेयर फॉर्म. आपको यहां पे एंगल दिया है 102.2 डिग्री, दे हैव बॉन्ड लेंथ वैल्यू है 205.7 पिकोमीटर. ये हमारा आपको याद नहीं करना है कितना बॉन्ड एंगल है, कितना बॉन्ड लेंथ है, बट आप रफली थोड़ा शेप को ध्यान रखते हैं कि S6 मॉलिक्यूल विल हैव चेयर कंफर्मेशन और चेयर अरेंजमेंट. और क्या होता है, हाई टेम्परेचर एट एलिवेटेड टेम्परेचर अराउंड 1000 केल्विन टेम्परेचर और अबव क्या होता है, 1000 केल्विन पे क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल होते हैं दे ब्रेक, तो S2 इज फॉर्म्ड और इज प्रीडोमिनेंट एंड इट इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2 मॉलिक्यूल. एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक. क्यों होता है पैरामैग्नेटिक O2 मॉलिक्यूल, बिकॉज इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py के अंदर क्या होगा, दे हैव 1-1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच. तो एज ए होल O2 मॉलिक्यूल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड विच मेक O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक. S8 is not paramagnetic, S8 is diamagnetic. But क्या होता है, heat करने पर आपका बनेगा S2, और heat करने पर क्या होता है, they can change further. तो इसमें कुछ और point भी लिख लेते हैं, क्योंकि आपको जो allotrope आएगा next आता है plastic sulfur, इसको हम बोलते हैं gamma sulfur. ये कब बनता है, it is formed when molten sulfur is poured in cold water. कि when molten sulfur is poured in cold water, इसका क्या, ये किसका बना होता है, it is consisting of the chains like molecules and has rubber like properties when formed. On standing it become brittle and finally convert to rhombic sulfur. मतलब आपका chain, आपका जो ring होते हैं वो open होते हैं और फिर chain type का बनेगा structure यहाँ पर. Actually होता क्या, ये heating होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर heating effect on sulfur. यहाँ पर दिया है आपका S8 दिया है molten state में. When given temperature 160 degree Celsius तो क्या होता है, S8 आपका जो ring होते हैं break होते हैं. बिलो दिस टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस आपका रिंग ब्रेक नहीं हो पाएंगे. तो S8 रिंग आपका ब्रेक होता है और क्या बनता है, डायरेडिकल सो फॉर्म्ड पॉलीमराइजेस टू फॉर्म लॉन्ग चेन पॉलीमर. मींस आपका ये बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक सल्फर, लॉन्ग चेन पॉलीमर एंड विस्कोसिटी स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट 200 डिग्री सेल्सियस. विस्कोसिटी फर्दर इंक्रीजेस एंड देन एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर दैट इज 444 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, विस्कोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग गिविंग द शॉर्टर चेन्स एंड रिंग्स आर फॉर्म. एंड व्हेन वी हैव टेंपरेचर एट 600 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, वेपर फेज
सल्फर विल एग्जिस्ट एज एस टू मॉलिक्यूल्स विच आर पैरामैग्नेटिक लाइक ओ टू मॉलिक्यूल्स। यहां पर सल्फर का एक्सट्रैक्शन करते कैसे हैं? सल्फर इज माइंड यूजिंग प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रास्ट प्रोसेस, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन कंटामिनेटेड विद एच टू एस और स्ट्रीम कंटेनिंग एच टू एस। इसमें दो स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में क्या एच टू एस प्लस बर्न करने देगा एस ओ टू प्लस वाटर, और फिर क्या आएगा उसके बाद यहां पर उसके बाद आपका आएगा इस केस में H2S का जब रिएक्शन करेंगे फर्दर SO2 से तो क्या बनता है, जो H2SO2 बनेगा उसका रिएक्शन किया हमने H2S से तो क्या बनेगा आपका कैटलिस्ट कन्वर्टर होता है इसमें, उसके प्रेजेंस में सल्फर का फॉर्मेशन होगा और बनेगा आपका यहां पर 2H2S राइट हियर फॉर बैलेंसिंग, प्लस SO2 विल फॉर्म 3 सल्फर प्लस वाटर इन वेपर फेज बिकॉज यहां पे हाई टेंपरेचर है, और क्या होगा हाई टेंपरेचर पर जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर के उससे ऊपर होगा तो वी विल गेट वाटर इन वेपर फेज। ये हमारे डिफरेंट एलोटोप्स हैं सल्फर के। नाउ वी टेक कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। तो बच्चे लोग हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आएगा इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कंपाउंड ये, बट ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपका इनडायरेक्ट यूज होता है इन ट्रॉपिक सॉल्ट एनालिसिस, वहां पर क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में। तो एक्चुअली होता क्या है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं H2S का, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड्स विद सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा इसमें H2S गैस प्लस फेरस सल्फेट। एक कॉमन एग्जांपल यह है रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड टेकन FeS, इसका रिएक्शन हमने किया डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या बनता है फेरस सल्फेट प्लस H2S। ये रिएक्शन कहां पर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड इन किफ्स अपरेटस, डिटेल्स नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट मेंशन द नेम रिक्वायर्ड किफ्स अपरेटस एट ऑल मैक्सिमम, बट बाकी सिंपल रिएक्शन है ना इसमें। और क्या है टू गेट प्योर, ये आपका जो सेकंड रिएक्शन है ये होता है टू प्रिपेयर प्योर H2S, तो ये हम सेकंड रिएक्शन यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं प्योर Sb2S3, वी टेक एंटीमनी सल्फाइड प्योर लेंगे HCl प्योर लेंगे, तो रिएक्शन करने पे क्या बनता है प्योर H2S गैस। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दिखा है, पहला आपका दिया ब्लू में लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका क्या होता है इट इज कलरलेस गैस विद रॉटन एग स्मेल, अजीब स्मेल होता है इसका, रॉटन एग स्मेल बोलते हैं इसको, पंजेंट स्मेल बोल सकते हैं, रॉटन एग स्मेल बोलते हैं इसको। और क्या होता है इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, बट क्या होता है विद वाटर इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग और राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब होता क्या है H2S के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछता है यहां के अंदर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हिच कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और व्हिच कैन एक्ट एज बोथ। तो अगर ध्यान रखो किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लोवेस्ट होगा तो कंपाउंड क्या होता है वो एड करता है एज ए ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होता है देन द कंपाउंड कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, केवल रिडक्शन पॉसिबल है। रिडक्शन होगा तो क्या होता है कंपाउंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा इंटरमीडिएट, न हाईएस्ट है न लोएस्ट है, then that kind of compound can act as both oxidizing agent and reducing agent। हमें जो तीन compound पढ़ने हैं अभी continuation में, पहला पढ़ना है H2S जिसके अंदर आपका oxidation number sulfur का -2 होता है, जो sulfur का lowest oxidation state है। तो यहाँ पर क्या होता है इन reaction में H2S can act as only reducing agent or some other reactions but not oxidizing agent। आप next compound पढ़ेंगे sulfur dioxide that can act as both oxidizing agent and also reducing agent because उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, जिससे उसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है +6 में और लोअर पॉसिबल होगा -2 के अंदर और 0 के अंदर, जबकि हमारा कंपाउंड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर डाइल्यूट होता है तो दैट इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, बट अगर एसिड इज कंसंट्रेटेड देन दैट ऑल्सो कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। तो एनीवे हम देखते हैं पहले इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में, एक आपके सबसे इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होता है it acts as reducing agent, it acts as strong reducing agent, क्यों? When this decompose it evolve hydrogen, और फिर क्या होता है hydrogen evolve करेगा तो क्या होता है it become strong reducing agent। काफी सारे reaction आपको दे रखा है like it reduces halogens to halides और HX, H2S से आपका reaction करते हैं sulfur dioxide का तो sulfur बनता है, इसमें इसका reduction इसका oxidation product से रहता है, H2O2 का हम करेंगे reaction तो बनेगा इसमें water plus sulfur, HNO3 का जब करते हैं तो क्या होता है इट फॉर्म NO2, सब में रिडक्शन हो रहा है, O3 से बनाएंगे तो बनेगा O2 गैस। और क्या होता है इट ऑल्सो रिड्यूसेस सम अदर रिएक्शंस लाइक
सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनीज टू मैंगनीज प्लस टू, ये आपका रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में। सल्फ्यूरिक एसिड टू सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट टू क्रोमियम प्लस थ्री आयंस, ये तीनों रिएक्शन कहां पर होती है? एसिडिक मीडियम के अंदर। और MnO4 लेते हैं, अगर हम बेसिक मीडियम में तो क्या बनाएगा उससे? इट चेंज टू मैंगनीज डाइऑक्साइड इन बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। अगला पॉइंट क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड है H2S, इट इज ए वीक डाई बेसिक एसिड। क्या होता है? इट इज एक्वा सॉल्यूशन, इट एक्ट एज डाई बेसिक एसिड बट वीक होता है। दोनों स्टेप में जो है इसका के वैल्यू काफी कम होता है, तो इट इज ए वीक डाई बेसिक एसिड। क्या होगा? इट फर्स्ट कैन गिव हाइड्रोजन प्लस आयन एंड HS नेगेटिव, एंड देन HS नेगेटिव कैन गिव हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस सल्फाइड आयंस। सो इट फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। क्या क्या बनेगा? इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है NaHS, इसका रिएक्शन फिर से किया हमने NaOH में, तो क्या बनेगा? Na2S। अगला है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसल्फाइड, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग H2S गैस थ्रू मेटल हाइड्रोक्साइड, और वी कैन टेक अदर कंपाउंड हाइड्रोक्साइड भी बनता है इसे। आपका अगर हम रिएक्शन करते हैं, एग्जांपल दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किया H2S से, तो क्या बनेगा? अमोनियम सल्फाइड बनेगा पहले और वाटर, फिर क्या होता है अगर हम इसका रिएक्शन आगे करते हैं और अमोनियम सल्फाइड का विद H2S एक्सेस, तो क्या बनता है? अमोनियम होल ट्वाइस एस एक्स प्लस वन, इसे हम क्या बोलते हैं कंपाउंड को? येलो अमोनियम सल्फाइड। सल्फर ज्यादा होता है इसमें तो कलर का येलोइश होता है सॉल्यूशन का, और ये देगा x मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो उसके अकॉर्डिंग x मोल ऑफ ऐड होंगे इसमें सल्फर का। और ये होता क्या है, इसको यूज करते हैं हम फॉर सेपरेशन ऑफ सेकंड ए एंड सेकंड बी ग्रुप रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स। आप जब पढ़ेंगे इन टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस, उसको आप देख सकते हैं उस पॉइंट पे। तो ये हेल्प करता है सेपरेशन ऑफ एसिड बेसिक रेडिकल्स ऑफ सेकंड ए एंड सेकंड बी सब ग्रुप। सेकंड ए रेडिकल क्या होता है? सल्फाइड, दे आर इनसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड, while second B radicals are soluble in solution of yellow ammonium sulfide। ये क्या होता है? This act as oxidizing agent, especially tin के लिए use करते हैं इस compound को। तो आप जब पढ़ेंगे इसमें पता लगेगा आपको उसमें। तो ये आपका हुआ इसका properties में। अब इसका हम देखते हैं properties के बाद में इसका test। इसको हम test कैसे कर सकते हैं? इसका test क्या होगा? Chemical test for identification of H2S। इसको test कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ H2S, इसका एक टेस्ट करते हैं इन टर्म्स एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे एक सॉल्यूशन को कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होता है किसका? सल्फाइड का। सपोज हमारा सोल्यूशन था सोडियम सल्फाइड का, इसमें मैं ऐड किया सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है? इट इवॉल्व H2S गैस। ये आपको होता है टेस्ट ऑफ सल्फाइड रेडिकल, वहां पर यूज करते हैं इस टेस्ट को। और क्या देगा? सोडियम सल्फेट। तो H2S गैस इवॉल्व होती है अगर हम उसका रिएक्शन करते हैं किससे? विद सोल्यूशन ऑफ लेड एसिटेट। मीन्स अगर हम रिएक्शन करते हैं, लेड एसिटेट का मीनिंग होता है CH3COO होल ट्वाइस, लेड एसिटेट। इसका रिएक्शन क्या है H2S से, तो क्या बनता है इस केस में? इट फॉर्म ब्लैक पीपीटी और पीबीएस। तो ब्लैक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पीबीएस फॉर्मेशन, इसका ब्लैक कलर होता है, प्लस आपको देगा 2 मोल्स ऑफ CH3COOH। और एक रिएक्शन आता है इसमें, इसका एक होता है सोडियम नाइट्रो प्रसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, एक टेस्ट होता है इसके लिए। तो यहां पर क्या होता है इस टेस्ट के अंदर, कि अगर हम लेंगे H2S को एल्कलाइन मीडियम में, तो क्या होता है? एल्कलाइन मीडियम में H2S का रिएक्शन किया हमने किससे? बेस से, तो क्या बनेगा आपका यहां पे? इट फॉर्म Na2S और सल्फाइड आयंस प्लस H2O। तो यहां पर हम रिएक्शन करते हैं Na2S का, किससे रिएक्शन करेंगे? विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2 FeCN5NO, ये कंपाउंड होता है, इसको हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसका नाम होता है कंपाउंड का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो क्या होगा इस रिएक्शन में? यहां पर प्रोडक्ट बनता है Na4 FeCN5NOS, यहां पर बनता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स, इट फॉर्म वायलेट
कलर्ड कॉम्प्लेक्स। आपका जो सोल्यूशन होता है वायलेट कलर का है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एडिशन प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये आपका होता है सोडियम नाइट्रोप्रसाइड टेस्ट बोलते हैं इसको। ये हमारे दो कॉमन टेस्ट होते हैं सल्फाइड के लिए या H2S के लिए। बेसिक वीडियो में क्या होता है सल्फाइड बनते हैं, सल्फाइड का टेस्ट बेसिकली होता है ये वाला। अगला आते हैं हम इसमें जो है टेस्ट के बाद देखते हैं यूजेस। इसके यूजेस क्या क्या है H2S के। तो पहले तो होता है आपका जो मेन यूज होता है एस लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट फॉर बेसिक रेडिकल्स, फॉर बेसिक रेडिकल्स टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। और सेकंड क्या होता है इसके अंदर है एस रिड्यूसिंग एजेंट। में काफी सारे रिएक्शन होते हैं वहां पर H2S को यूज करते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा कंपाउंड यहां तक खत्म होता है H2S। तो हम अगला लेते हैं कंपाउंड यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो इसमें क्या है इसका प्रिपरेशन लेते हैं पहले। प्रिपरेशन क्या होगा पहले इसका, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन अलॉन्ग विद लिटिल सल्फर ट्राइऑक्साइड 6-8% व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है कि सल्फर में जो कंबशन होता है तो क्या बनता है, मेनली बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना है अराउंड 6-8% ऑल्सो कैन बी देयर इन द मिक्सचर। बट हमारा जो मेजर आता है कंपोनेंट वो होता है केवल सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फर कंपाउंड कोई भी ले लेंगे। अगर हम इसको बर्न करते हैं सल्फर कंपाउंड को तो क्या बनता है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस। उसका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है तो नॉर्मली हमारा बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगला क्या है लेबोरेटरी, ये कॉमन टेस्ट होता है कि आपका सोल्यूशन दिया है सल्फाइड का, उसमें ऐड करते हैं क्या सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनता है उस केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है और वाटर बनता है। तो ये कॉमन रिएक्शन है सल्फाइड आयंस और रिएक्शन विद एसिडिक मीडियम सोल्यूशन टेकन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनता है SO2 गैस और वाटर बनता है। ये कॉमन होता है कि सल्फर जो इसमें गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड इट हैज स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ये आपका प्रॉपर्टीज ने मेंशन किया हुआ है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर का मीनिंग क्या होता है, लाइक दिवाली आती है पटाखे चलते हैं तो जो स्मेल आता है उसी टाइप का स्मेल दिखता है इसमें, सुनेगा मतलब आपको समझ आएगा स्मेल। अगला है इंडस्ट्रियली इट इज प्रोड्यूस बाय एज ए बाई प्रोडक्ट बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर जब आप क्या करते हैं सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग क्या होता है हीटिंग द सल्फाइड ओर एट हाई टेम्परेचर बिलो द फ्यूजन टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एयर एक्सेस। सप्लाई ऑफ ओर एक्सेस तो बनता है उसमें क्या दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है और भी बहुत सी रिएक्शन है। जिंक सल्फाइड का रिएक्शन करते हैं 3O2 गिव ZnO प्लस SO2 गैस, PbS आपका वो भी सल्फाइड ओर है PbS प्लस 3O2 में सेम टाइप का रिएक्शन होता है कि सल्फाइड ओर आपका हुआ ZnS PbS कॉपर सल्फाइड और आपका ये आता है कॉपर पायरेट FeS2। तो डिफरेंट आपका सल्फाइड ओर होते हैं दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बट कॉमन आपका है FeS2 और हम ले सकते हैं इसमें ZnS और PbS। इनका साथ कंबशन करने में क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड इज द बाई प्रोडक्ट। और जो गैस बनता है क्या करते हैं इसको हम लिक्विफाई करते हैं द गैस आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर्ड इन द स्टील सिलेंडर्स। इसमें कुछ और रिएक्शन है प्रिपरेशन में दिया हीटिंग ऑफ कॉपर टर्निंग्स विद कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैव नो इफेक्ट ऑन कॉपर टर्निंग्स ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन करते हैं हीट करने में क्या बनता है कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। एक्चुअली होता क्या है व्हेन सॉल्यूशन टेकन इज डाइल्यूट इट इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग। ये क्या होता है इट इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड बट व्हेन वी टेक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट बिकम ऑक्सीडाइजिंग। तो इसलिए आपका रिएक्शन हो सकता है हीटिंग सल्फर विद कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहां भी देखा सल्फर प्लस H2SO4 में क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। कुछ एरिया होते हैं यहाँ पर कि जिप्सम इज इन लार्ज एबंडेंस तो वहां पर क्या करते हैं बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम क्या होता है बेसिकली जिप्सम इज CaSO4.2H2 इट इज जिप्सम। होता क्या है जिप्सम को हीट करते हैं तो व्हेन दे फॉर्म विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो क्या बनता है CaSO4 बनता है। अगर आपका कंपाउंड होगा CaSO4 विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका नाम होता है एनहाइड्राइड। इसे क्या बोलते हैं एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड।
इफ यू टेक CaSO4 विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो इसका नाम होता है एनहाइड्राइड. हीट किया विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर अराउंड 1000 केल्विन तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ये जिप्सम होता है CaSO4.2H2O विदाउट वाटर नाम होता है एनहाइड्राइड. इसका प्रॉपर्टीज आपका पढ़ेंगे दो पार्ट में. पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. यहाँ पर क्या है, इट इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल. स्मेल कैसा होता है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर. इसमें स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर कैन ऐड अप. हाउ टू रिमेम्बर और मेमोराइज, दिवाली याद रखिए. दिवाली भी पटाखे चलाते हैं तो पटाखों में क्या होता है, सल्फर. सल्फर कंपाउंड उठते हैं तो उससे क्या बनता है, स्मेल निकलता है. दैट इज दैट काइंड ऑफ स्मेल इज स्पेशली अवेलेबल. जो चाइनीज क्रैकर होते हैं स्पेशली उनमें क्या होता है, दे यूज सल्फर कंपाउंड मोर. क्योंकि सल्फर कंपाउंड क्या होते हैं, दे आर चीपर. चीपर होते हैं तो जो पटाखे बनाते हैं तो इसलिए बोलते हैं बैन चाइनीज आइटम. इसलिए आप लोग भी अगर दिवाली पटाखे चलाओ डोंट यूज चाइनीज क्रैकर्स. तो एनीवे ये कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर. इट लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर अंडर ए प्रेशर ऑफ 2 atmosphere. इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -10 degree Celsius और 273 Kelvin. एंड इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट -76 degree Celsius. याद नहीं करना आपको, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. और क्या होता है, हैवियर देन एयर. एयर में क्या होता है आपका O2 गैस और N2 गैस दो मेन कंपोनेंट है. तो कितना है उसका मोलर वेट, एवरेज निकालते हैं दैट इज अराउंड 28.8 होता है. बट यहाँ पर कितना इसका मोलर वेट है, 64. तो डेफिनेटली इट इज हैवियर देन एयर. तो ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ टेक केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हम आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. यहाँ पर क्या होता है, इसका पहला तो है एसिडिक नेचर. SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है. और इसको हम पास करते हैं किसमें, वाटर में. तो क्या बनता है, इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड. H2SO3 का नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड. SO2 प्लस वाटर में पास करने में बनता है आपका रिएक्शन कैन बी रिवर्सिबल टाइप. बट आपका मेन कंपाउंड बन जाएगा आपका सल्फर क्लोराइड. बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर विल फॉर्म दिस कंपाउंड सो इट इज सॉल्युबल. अगला पॉइंट क्या है, इट नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प इन बर्निंग. बट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम कंटिन्यूस. बट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम विल कंटिन्यू टू बर्न इन इट्स एटमोसफियर. नॉर्मली क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड खुद तो आपका हेल्प नहीं करता बर्निंग में. बट कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे आपका पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. तो इनका जो रिएक्शन कंटिन्यू होता है बर्निंग का इन एटमोसफियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. फिर अगला क्या है, एडिशन रिएक्शन शो करता है लाइक विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरिन इन सनलाइट इट फॉर्म सल्फ्यूरिक क्लोराइड. और क्या है, SO2 से रिएक्शन करता है, O2 कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट. तो क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये आपका रिएक्शन यूज होता है इन प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो आप पढ़ेंगे आगे. और क्या है, PbO2 का रिएक्शन करते हैं, SO2 से क्या बनता है, PbSO4. तो ये आपका हो गया एडिशन रिएक्शन. अब अगला पॉइंट क्या होता है कि सल्फर के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का वो होता है +4. इसका मतलब सल्फर का ये ऑक्सीडेशन नंबर न तो हाईएस्ट है और न लोएस्ट है. सल्फर का लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 और सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6. तो ये स्टेट कैसा है, ना हाईएस्ट है ना लोएस्ट है, इट इज इंटरमीडिएट. इसका मीनिंग क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड होता है दैट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट द एग्जांपल्स, सम एग्जांपल ऑफ रिएक्शन वेयर सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. तो अगर सल्फर का हम ऑक्सीडेशन करते हैं उस केस में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट व्हेन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज. तो होता क्या है, इसका एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में क्या होता है, इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बट इट इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम. यहां पर क्या होता है, इसका रिएक्शन कैसे शो करते हैं, पहले कंबाइन करता है वाटर से तो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड. फिर जब ये रिएक्शन करता है तो चेंज होता है सल्फ्यूरिक एसिड में और हाइड्रोजन बनाता है. तो इसका जो प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इट इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन. क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई दिस और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो इसका नेचर है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन. एग्जांपल दिया रिएक्शन का लाइक सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन. यहां पे क्या बनता है, इस केस में जो आपका हैलोजन होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या करता है, उनको रिड्यूस कर देगा इसमें करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स के अंदर. तो आपका क्लोरीन से रिएक्शन बनेगा HCl, इफ यू टेक ब्रोमीन तो बनेगा HBr. तो ऐसे आपका रिएक्शन होता है इस केस में. फिर अगला पॉइंट क्या है,
इट टर्न्स एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कलरलेस। जो सॉल्यूशन होता है इसमें एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इसका होता है पर्पल कलर। तो होता क्या जब से रिएक्शन करता है SO2 से तो क्या बनता है मैंगनीज प्लस टू बाइंस और ये क्या होते हैं सॉल्यूशन देन बिकम कलरलेस। और क्या होता है कॉमन टेस्ट भी है सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर डाइन के अंदर होता है क्योंकि जो गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड इट टर्न्स एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट टू ग्रीन। ग्रीन क्यों बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम प्लस थ्री आयंस सॉल्यूशन बिकम ग्रीन। और क्या है इट रिड्यूसेस आयोडेट टू I2 से आपका आयोडेट होता है पोटेशियम आयोडेट। रिएक्शन क्या है सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनेगा एक्वस मीडियम में आयोडीन बनता है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप रिएक्शन में देखते हैं यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये खुद चेंज होता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर और इन सल्फेट आयंस और जो और कंपाउंड है उनको रिड्यूस कर देता है फेरिक आयन रिड्यूस टू फेरस आयन। अगर हम सॉल्ट लेंगे सपोज फेरिक सल्फेट गिव फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फर डाइऑक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है अब हम आगे लेते हैं प्रॉपर्टीज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रक्चर्स।